की आज बरसी है, आज 11 सितंबर है और बरसी पे हमने भी फातिहा ही कर दिया। आज अपनी शिकस्त में हम भी फातिहा ही करके आ गए हैं, क्योंकि किसी अगर देखे हारे भी बंदा तो किसी वजह से हारे, कोई खेले तो सही, जवानों की तरह खेला तो सही, मरे मुके ठिडे, इन्होंने कुछ करो तो सही, वो तुम अच्छे शेर हो, तुम लोग देखो बंदा एक आध रन से हारता है, दस तुम लोगों से तो ना कोई बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है, ये किया गया इन्होंने, हमें जलील करवाया गया। हमारा इतना टूटा जितना अगर हम इंडिया से तो ज्यादा टूटता, श्रीलंका से ज्यादा हमारा नहीं। देखिए वो ठीक है श्रीलंका, वो बात आप हम मानते हैं, वो हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन देखिए कुछ करें तो सही ना, ये तो नहीं ना, कुछ करो तो सही, मरो तो कुछ करके मरो ना, ये तो नहीं ना। जब आप कुछ नहीं सर, हार गए क्या, पहली बार थोड़ी आ रहे हैं हम, ठीक है सर, आपकी फील्डिंग इतनी खराब रही है, ठीक है, शबाब खान जिससे उम्मीद ही नहीं थे कि वो कैच छोड़ेंगे, उन्होंने कैच छोड़ा, फिर आपने 50 पे 5 आउट कर दी, उसके बाद आपने इतनी गंदी फील्डिंग और बॉलिंग की है कि आपकी सोच है, और फिर उसके बाद आपने आसिफ अली को एज ए बैट्समैन खिलाया हुआ है और आप उससे पहले भेज रहे हैं नवाज को, खुशदिल शाह को, और आप इफ्तिखार को भेज रहे हैं जो 32 बॉल पे 30 रन कर रहे हैं। मारो मुझे, मारो। उदास उदास जा रहे हैं, क्या हुआ है भाई? सबसे पहले तो आप ये देखें जो हमारे साथ बाबर आजम ने किया है, और क्या नाम था उसका, इफ्तिखार ने यार बहुत बुरा किया हमारे साथ, बैटिंग लाइनअप बिल्कुल अच्छा नहीं था, और बॉलिंग बॉलर्स और क्या करके दिखाते हैं, उन्होंने 5 विकेटें ली तो थी, 58 पे 5 आउट थे। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अब आपको बैट्समैन की जरूरत थी क्या? नहीं, तो बहुत अनप्रोडक्टेबल टीम है सर। उम्मीद लेके आए थे ट्रॉफी जीतने की? सॉरी, नो उर्दू, इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज। यस, आई एम वेरी अपसेट, बट स्टिल पाकिस्तान विल शो हु इज द बेस्ट। आप क्या कहेंगे? वेल, इट्स अ मैच, यू नो, वन टीम हैज टू विन, अदर हैज टू लूज। आई थिंक हमारी फील्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, दो कैच ड्रॉप हुए, और फिर बैटिंग में ओपनर्स परहैप्स थोड़ा रिस्पॉन्सिबल खेलते, बाबर आजम और फखर दोनों ने बहुत गंदी शॉट्स खेली, तो मैच हमारे हाथ में था। 170 वाज नॉट अ बैड स्कोर ऑन दिस पिच। एनी हाउ, गेम इज गेम, इंशाल्लाह होपफुली गुड लक फॉर द वर्ल्ड कप। थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया में इंशाल्लाह जीतेगी, कम बैक होगा। ये आज की शिकस्त पे आप किसको जिम्मेदार करार देते हैं? मैं जी किसी को, हमारी फील्डिंग जी, और किसको? ओके, हाँ जी, मगर बैटिंग तो बेचारी क्या कम, प्रेशर में आगे रिजवानी बेचारे, मेरा नाम भी रिजवानी है, हम ही जिताते रहे अब तक, क्या करें यार, कब तक जिताते रहेंगे? मैम आपको कितना दुख हुआ आज पाकिस्तान के? नहीं नहीं, हार जीत होती रहती है, इट्स ओके, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। श्रीलंका की गेम आज अच्छी जा रही थी तो वो जीत गए, सो कांग्रेचुलेशंस टू देम, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इट्स ओके, हार जीत लगी रहती है। आपने कितनी दुआएं की थी आज जीत के लिए? मेरे हाथ में श्रीलंका का भी फ्लैग था और पाकिस्तान का भी था, सो आई वॉज सपोर्टिंग बोथ कंट्रीज, बट ऑब्वियसली जाहिर है कि बंदा अपनी कंट्री की दुआ तो करता ही है, बट आई एंजॉयड अ लॉट। आप क्या कहेंगे, कितना मायूसी हुई है? बहुत मायूसी हुई है और बहुत दुख हुआ है। एक सेकंड कर रहे हैं, क्या हुआ है? मैं बहुत खुश हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह फाइनल में फाइनल हो गया अपनी आज। या द रिजवान प्ले रियली स्लोड, बाबर आजम लॉस्ट हिज विकेट अर्ली ऑन एंड आल्सो टू कैचेस बाय शदाब, दैट वाज द मेन रीजन। कितना दुख हुआ है मैम हार का? आपको कितना दुख हुआ है हार का? हार का दुख हुआ है? हार का दुख हुआ है? अब बर्मा की तो टीम थी नहीं। मैम क्या कहेंगे आज की हार पे आप? बहुत बुरा था। कितनी मायूसी कितनी हुई है? हाँ, कितनी मायूस हुई है आज, दुख कितना हुआ है आज की हार का? बहुत दुख हुआ है। हेलो अजीज, किधर है? बहुत बुरा हुआ। बात तो सुने, क्या कौन है जिम्मेदार शिकस्त का? मेरा ख्याल है इफ्तिखार और रिजवान दोनों, उन्होंने इतना टेम्पो स्लो डाउन कर दिया था कि बाद में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आसिफ अली के साथ के हर दफ़ा वो आगे 6 छक्के मारेगा। सर आप क्या कहेंगे, क्या कितनी मायूसी हुई है? सर मायूसी बहुत हुई है, मेरा ख्याल है ये अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए और मेजर तब्दीलियां चाहिए हमें आगे वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि हमारा जो ओपनर्स हैं दे आर नॉट वेल सेटल्ड, दे कैन नॉट कीप द पेस अप, तो दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है और बेसिकली पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब फील्डिंग थी।